राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, आज की वीडियो है कि मैं अपना रूम दिखाने वाली हूं। लड्डू गोपाल जी का जो रूम है वो कितना बड़ा है, और लड्डू गोपाल जी का बेड किधर की साइड रखा है, मंदिर के पास रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, तो आज की वीडियो वही है। तो चलते हैं, लड्डू गोपाल जी का रूम दिखाती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी के भी आपको दर्शन कराती हूँ आज के। तो भक्तों, ये है लड्डू गोपाल जी का रूम, जिसमें ये पर्दा डला हुआ है बाहर की साइड, और इसके सामने ही मेरा ड्राइंग रूम है, और उसके सामने ये वाला रूम है लड्डू गोपाल जी का। तो पर्दे खोल देते हैं और आपको दिखाते हैं लड्डू गोपाल जी का रूम। तो आपको सामने दिख रहा होगा वॉलपेपर लगा हुआ है, मोर पंख वाला वॉलपेपर है, और ये मैंने जन्माष्टमी को वॉलपेपर लगवाया था लड्डू गोपाल जी के रूम में, और एक दिन पहले ही करवाया था, जन्माष्टमी से पहले मैंने ये जन्माष्टमी को करवाया था वॉलपेपर। और सामने वाली जो दीवार है आप देख रहे होंगे, राधा कृष्ण की फोटो लगी हुई है इस पे, और इस वाली दीवार पे गोल्डन पेंट कराया था पहले, इसमें दूसरा कलर था ब्लू कलर, वो कम अच्छा लगता था इसलिए इसमें कराना था। लड्डू गोपाल जी का रूम है तो उनके हिसाब से ही मैंने ये मोर पंख वाला वॉलपेपर करवाया था। और एक ये सामने खिड़की है, इस पे भी हमने ये पर्दा लगाया हुआ है, जैसे बाहर लगा हुआ है ये पर्दा यहाँ पे लगाया हुआ है खिड़की के पास। और ये दो फोटो राधा किशन की ये लगी हुई है दीवार पे, और इसका कलर अलग है दीवार का, आपने देख ही लिया होगा। सामने जो है लड्डू गोपाल जी के मोर पंख वाला वॉलपेपर है, और इन पे हमने पेंट किया हुआ है, मतलब पेंट करा रखा है। और ये है लड्डू गोपाल जी का सिंहासन है, जो कि मैंने बेड के साथ बनवाया था, और ये छोटी जिस पे मैं वीडियो वगैरह रख के बनाती हूँ फोन लगा के, ये वो रखा हुआ है। और भक्तों, ये है लड्डू गोपाल जी की अलमारी, जो कि ये कपड़ा डाला हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लड्डू गोपाल जी की ना अलमारी है, तो इसमें लड्डू गोपाल जी के हैं कपड़े, तो मैंने ये कपड़ा डाल दिया था यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को ये कलर इसका कपड़े का, तो मैंने ये कपड़ा यहाँ पे डाल दिया था अलमारी के ऊपर। और एक ये हमारे किशन भगवान है, मुरली लेके बैठे हुए हैं वो, और एक ये मूर्ति भी है जो किशन भगवान की मूर्ति है, और गाय माता भी साथ में है। और एक ये शोपीस है जो कि एक रखा हुआ है एक टेबल पे, ये कांच की टेबल है गोल वाली, जो कि इस पे रखा हुआ है, तो ये मैंने मंदिर वाले रूम में ही रख दिया। इसमें पानी भी चलता है, कभी मेरे को चलाना होता तो चला देती हूँ, वरना डेली नहीं चलाती मैं। और ये थोड़े से टॉयस वगैरह रखे हुए हैं लड्डू गोपाल जी के, आपको मैं पास से दिखाती हूँ, और सब पूछते हैं कि मैम आपको ये कहाँ मिलते हैं छोटे छोटे टॉयस। तो भक्तों, ये जैसे टॉयस की जो दुकान होती है बच्चों के, जहाँ टॉयस मिलते हैं वहीं पे मिलते हैं, ये टॉयस वहीं से लिए हुए हैं मैंने। और ये लड्डू गोपाल जी के आपको बर्तन दिख रहे होंगे, ये लड्डू गोपाल जी के स्नान के बर्तन है, वो लड्डू गोपाल जी के कुछ मिट्टी के बर्तन है, और कुछ इस टोकरी में ही रखे हुए हैं थोड़े से इनके जो भी बर्तन है सारे, और जो नए बर्तन है ज्यादातर मैं कभी कभी यूज करती हूँ वो मैंने उठा के रखे हुए अलमारी के अंदर, जैसे ट्रे वगैरह हो गई, सेट है पूरा गिलास का, कटोरियों का, वो मैंने अलमारी के अंदर रखा हुआ है। अब आ जाते लड्डू गोपाल जी के बेड, ये है लड्डू गोपाल जी का बेड, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर सिंहासन दिखाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा बेड, ये रहा सेम वैसा ही बनवाया जैसे कि सिंहासन है, पीछे आपने देखा होगा जो ये लगी हुई है फोम, इसमें तो दोनों सेम ही बनवाए थे। तो ये बेड है लड्डू गोपाल जी का, और ये मैंने अपने घर के पास ही जो शॉप है वहां से बनवाया था। काफी कमेंट आते हैं, मैम हमें बताइए आपने ये कितने का बनवाया, कहाँ से बनवाया है। तो ये मैंने बनवाया था, ये जो आपको दिखाया मैंने सिंहासन और ये बेड बनवाया था 5500 रुपए का। वैसे तो वो खाली इसी के मांग रहे थे 5500 रुपए, खाली बेड के मांग रहे थे, मगर मैंने उनको बोला भैया नहीं बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो उन्होंने फिर दोनों चीज कर ली थी, मैंने कहा एक सिंहासन भी निकाल देना, तो उन्होंने ये सिंहासन भी निकाल दिया था। तो ये दोनों चीज मैंने 5500 रुपए की बनवाई थी, जो जहाँ पे बेड वगैरह बनते हैं वहां से बनवाई थी। तो ये लड्डू गोपाल जी का हो गया बेड, और भक्तों साथ में ही है, जो लड्डू गोपाल जी को मैं बिठाती हूँ ना साथ में ही है, और ये वैसे झूला है, जन्माष्टमी में मैं ये टांग देती हूँ ऊपर, इसमें ये लगे हुए हैं कुंडे, आप देख सकते हो दोनों तरफ ना कुंडे लगे हुए हैं, तो जन्माष्टमी पे ये काफी बड़ा है, ये जो झूला है काफी बड़ा है, इसको उठा के मैं कहीं रख नहीं सकती क्योंकि इसके लिए चाहिए काफी जगह, तो इसलिए मैं इसमें ना लड्डू गोपाल जी को डेली बिठा देती हूँ, सुबह में दोपहर में तो
थोड़ी बहुत देर, मतलब सुबह से दोपहर तक बैठते हैं, उसके बाद लिटा देती हूँ बेड पे लड्डू गोपाल जी को। फिर शाम को बैठ जाते हैं, जैसे आरती वगैरह करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी का मतलब कि ये इनका रूम है बैठने का, तो लड्डू गोपाल जी इसमें बैठ जाते हैं। और आपको मैंने इनके भी दर्शन कराए थे, वीडियो डाली थी कि लड्डू गोपाल जी मेरे पास कम से कम बहुत सालों से हैं, मगर श्रृंगार मैंने कल ही कराया इनका। पता नहीं ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आज इनका श्रृंगार करते हैं, तो इनका मैंने श्रृंगार किया था कल। वीडियो भी अपलोड करिए कि इन वाले लड्डू गोपाल जी का आप कैसे श्रृंगार कर सकते हैं। और भक्तों, ये और एक ये तुलसी रखी हुई है मेरे पास लड्डू गोपाल जी के पास जो है, और ये तुलसी असली है, नकली नहीं है। कमेंट भी आया था कि मैम ये ओरिजिनल है या फिर आर्टिफिशियल है, तो आपको मैं दर्शन करा देती हूँ तुलसी माता के। तो ये है ओरिजिनल तुलसी। तो मेरे पास ये छोटा सा गमला है, ये मैंने लिया था दिवाली के आसपास जब दीपक वगैरह बिकते हैं वहां से ही लिया था मैंने। तो इसमें मैंने ना थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है, आपको दिख रही होगी थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है, इसमें मैं थोड़ा बहुत पानी भी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और हमें इसको धूप भी जरूर दिखानी चाहिए, वरना ये सूख ही जाएगा। तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैम हमने भी लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी रखी है, उनकी तुलसी सूख गई थी, तो वो सूख ही जाएगी अगर धूप नहीं लगेगी। थोड़ी बहुत हमें तुलसी जी को धूप जरूर लगानी है। तो आप अगर रख रहे हो लड्डू गोपाल जी के पास, तो आपको धूप में रखना पड़ेगा वो पौधा तुलसी का। तो ये लड्डू गोपाल जी के आज के दर्शन कर लीजिए। और लड्डू गोपाल जी ने पहनी हल्की फुल्की सी ड्रेस कैप वाली, और ये सखियां साथ में बैठी हुई हैं, उधर गाय माता भी बैठी हैं साथ में। और ये लड्डू गोपाल जी का छोटा सा मिरर रखा हुआ है, लड्डू गोपाल जी का जब मन करता देखने का तो ये मिरर देख लेते हैं। और ये है लड्डू गोपाल जी के, इसमें मतलब कि सूखे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, ये थोड़ी सी मिश्री रखी हुई है, और इसके अंदर है पानी घड़े के अंदर, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं इसलिए मैंने घड़े में पानी रखा हुआ है ताकि ठंडा रहे। और एक गिलास और चम्मच भी रखी हुई है लड्डू गोपाल जी को, गिलास हमने लड्डू गोपाल जी के पास में एक गिलास और चम्मच भी रखी हुई है। तो ये हो गया जिसमें लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ ऊपर से लेके ये नीचे तक। और ये अलग से एक मेरे पास ये चौकी मान लो, इस पे जैसे मेरे को अगर निकालनी होती है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ जब मुझे जरूरत होती है। तो ये काफी बड़ी है, इस पे लड्डू गोपाल जी भी आ जाते हैं, इस पे काफी सारा सामान भी आ जाता है डेकोरेशन का, तब मुझे चाहिए होती है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी मैंने इस झूले के अंदर रखी हुई है, झूले के मतलब नीचे रखी हुई है ताकि और जगह वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने इस चौकी के ऊपर रखा हुआ है ये झूला, जो कि लड्डू गोपाल जी का घर है हमारा। अब मैं दिखा देती हूँ, लड्डू गोपाल जी के साथ ही है ये मंदिर, तो ये है साथ में ही मंदिर है जिसमें सारे भगवान विराजमान है इसी के अंदर। अगर इस मंदिर के अंदर सारे लड्डू गोपाल जी आ जाते तो मैं इसी में बिठाती, मगर इसमें आते नहीं है, तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को साथ में बिठाया हुआ और सारे भगवान इसी के अंदर मैंने बिठाए हुए हैं। तो ये है ऊपर से लेके नीचे तक, मैं मंदिर भी दिखा देती हूँ। मंदिर पे मैंने लाइटें लगा रखी हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा वीडियो में ऐसे लग रहा है आपको, ये ग्रीन कलर की लाइट है इसलिए शेड आपको ग्रीन ही दिख रहा होगा। तो ये है मेरा मंदिर, साथ में पूरा दिखा देती हूँ मैं मंदिर। तो ये मंदिर हो गया। अब साथ में एक चौकी रखी हुई जिसपे लड्डू गोपाल जी के और थोड़े से टॉयस वगैरह रखे हैं, और भी रखे थे मैंने हटा के रख दिया यहाँ से, क्योंकि सफाई वगैरह करती रहती हूँ फिर वो छोटे छोटे लुढ़कते रहते हैं, इसलिए मैंने हटा दिए। जब लड्डू गोपाल जी को खिलाना होता है फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो ये वॉकर और साइकिल मैंने इसी पे रखी हुई है। अब मैं दिखा देती हूँ सामने वाली जो आपको दीवार दिखाई थी, वहां पे ये रखा हुआ है लड्डू गोपाल जी का फूल बंगला, जो कि फूल बंगले में जब मैं लड्डू गोपाल जी को बिठाती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ। ग्रास डली हुई है यहाँ पे, तो लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठ जाते हैं फूल बंगले में, क्योंकि फूल बंगले अभी चलने वाले हैं हरियाली अमावस्या तक, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी का फूल बंगला भारी निकाला हुआ है मैंने, अभी रखा नहीं है। काफी दिन से ये निकाला था मैंने, कामदा एकादशी पे निकाल लिया था जब से लगते हैं फूल बंगले, इसलिए मैंने ये फूल बंगला निकाला हुआ है। तो लड्डू गोपाल जी सुबह स्नान करके मैं डेली लड्डू गोपाल जी को फूल बंगले में बिठा देती हूँ, उसके बाद फिर जब खाना खाने आते हैं तो लड्डू गोपाल जी जहाँ आपको अभी मैंने दिखाया वहां पे बैठते हैं, लड्डू गोपाल जी का जो रूम है उसके अंदर। और एक ये ग्रास बिछा रखी है मैंने मंदिर वाले रूम में ही। ये लड्डू गोपाल जी की टोकरी वगैरह है जिसमें लड्डू गोपाल जी की नेपी वगैरह रहती है ना,
डेली की जो नैपी हो गई, उनके बनियान हो गए, छोटी छोटी जो ड्रेस हैं दो चार इसके अंदर रखी हुई है, और सारी जो मैंने आपको अलमारी दिखाई है लड्डू गोपाल जी की उसमें, और आपको मैंने दिखाया था 100 पीस पे, ये जो लड्डू गोपाल जी की, जैसे मैं सुबह स्नान कर उनको स्नान कराती हूँ तो मैं उनकी नैपी वगैरह ना यहीं पे सुखा देती हूँ, बाहर नहीं सुखाती, तो ये यहाँ पे सूख जाती हैं तो मैं इनको यहीं पे सुखा देती हूँ, बाहर रस्सी पे नहीं सुखाती हूँ। मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको पहले वीडियो में दिखता तो फिर आप पूछते मैम ये क्या है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये लड्डू गोपाल जी की नैपी वगैरह, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का निकर है, तो ये सूख चुके हैं। अब मैं इनको उठा के रख दूंगी डब्बे में जो मैंने आपको दिखाया, टोकरी वगैरह रखी हुई है वहां पे। तो ये है लड्डू गोपाल जी का रूम, आपको मैं दिखा देती हूँ, काफी बड़ा रूम है लड्डू गोपाल जी का, और इसमें मेरा कोई सामान नहीं है, कोई बेड नहीं है हमारा, सोने का कुछ नहीं है, बस एक मैंने ये अलमारी रखी हुई है यहाँ पर, ये अलमारी रखी हुई है सिर्फ यहाँ पर, और इस रूम के अंदर कुछ नहीं है, तो ये अलमारियाँ रखी हुई हैं और कुछ नहीं है इसमें, बेड वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये है लड्डू गोपाल जी का रूम, और जो इसमें सामान है लड्डू गोपाल जी का ही है, हमारा कोई सामान नहीं है इस रूम के अंदर, बस ये जो एक अलमारी है ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है इसमें हमारा सामान है, जो दूसरी अलमारी दिखाई है उसमें लड्डू गोपाल जी का ही सामान है, काफी सारा सामान है, जैसे डेकोरेशन वगैरह का हो गया, और भी बहुत सारे सामान है, उनके स्टील के बर्तन वगैरह भी हैं, जैसे जब कोई त्योहार होता है तो ज्यादा बर्तन निकालने होते हैं तब निकाल लेती हूँ मैं, तो उसमें भी लड्डू गोपाल जी का ही सारा सामान है। तो यही है लड्डू गोपाल जी का रूम। तो अब इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और लड्डू गोपाल जी का रूम पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भक्तों, जैसे कि अब गर्मियां चल गई हैं तो लड्डू गोपाल जी का मेरे पास कूलर भी है, वो निकाल लिया है मैंने, मगर अभी मैं चलाती नहीं हूँ क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी इसलिए मैं चलाती नहीं हूँ। फैन है वैसे रूम के अंदर, ये रहा फैन, तो मैं ये फैन चला देती हूँ। और भक्तों, जैसे लड्डू गोपाल, बहुत से जनों के पास जैसे लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही लिटाते हैं, तो उनको आप बेड उनका मंदिर में ही बिछाइए, अगर जगह है तो मंदिर में ही बिछाइए, अगर नहीं है तो आप अलग से बेड लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी का, मगर उनके पास फैन का अरेंज आप जरूर करें। बड़ा नहीं है तो आप एक छोटा सा, लड्डू गोपाल जी के फैन वगैरह आते हैं ना, छोटे छोटे आते हैं लड्डू गोपाल जी के फैन आते हैं, आप वो ला सकते हैं उनके पास, वो छोटा सा फैन चला सकते हैं, वो शायद वो चार्जिंग वाला आता है, आप वो ले सकते हैं और लड्डू गोपाल जी के पास लगा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।